हिंदुस्तान जिंदाबाद। जी हाँ दोस्तों, भैया जी के बोल की टीम आज आप सब लोगों के साथ, देशवासियों के साथ 26 जनवरी का पर्व मनाएगी। आज हम पूछेंगे लोगों से देश के बारे में कुछ बातें, हंसी मजाक करेंगे और कैसे वो आज के दिन को सेलिब्रेट कर रहे हैं वो भी बात करेंगे। और जो हमें अच्छे अच्छे जवाब देगा उसके लिए हम लाए हैं प्यारे प्यारे गिफ्ट भी। और ये गिफ्ट जो हमें दिए हैं आज के कार्यक्रम के हमारे स्पॉन्सर हैं खुशलाणी रेडियो। तो चलिए वो भी हमारे साथी हैं इस कार्यक्रम में। अब हम बात करते हैं और देखते हैं लोगों को आज के दिन का क्या पता है क्या नहीं पता है। एक बार जय हिंद बोलिए। जय हिंद भारत माता की। जय हिंद भारत माता की। जय हिंद भारत माता की। जय बोलिए। भारत माता की जय। क्या बात है, ये चक्रिया ये रखी कितने कितने की बेच रहे हो? ए ₹10-20 की। ₹10-20? हाँ दस की बीस बीस। दस वाली भी है, 20 वाली। चलिए 10 वाली 20 वाली भी है, भगवान करे इनका बिजनेस भी बहुत अच्छा चले। बहुत से लोग हैं, पुलिस प्रशासन भी यहाँ पे जिम्मेदारी अपनी निभा रहा है। सर सबसे पहले तो जय हिंद। जय हिंद। कैसा लग रहा है आज के दिन आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, आज गणतंत्र दिवस है, बहुत अच्छा त्यौहार, राष्ट्रीय त्यौहार है, बच्चे आए हैं, सब हंसी खुशी अपना त्यौहार मना रहे हैं। साल भर कोड़ी चलता रहा, इसी के संबंध में आज बच्चों का अच्छा उत्साह देखने को मिल रहा है। तो भाई यहाँ पर हमें दिख रहे हैं 26 जनवरी का पर्व मनाने आए हैं, क्या नाम है आपका? जी शराफत। हाँ शराफत। शराफत शराफत तुम्हारे चेहरे पे कहीं नहीं दिख रही यार। अरे मेरा बाप। शराफत होने से शराफत। अच्छा शराफत आज कौन सा दिन है आज? जी आज 26 जनवरी बड़ा प्यारा ही दिन है। इस प्यारे दिन क्या हुआ था? आज देश आजाद हुआ था, हमारा बहुत प्यारा दिन है। देश आजाद हुआ था। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। आपका क्या नाम है? तनवीर। तनवीर आज क्या हुआ था? आज 26 जनवरी आज देश आजाद हुआ था, अपने देश को आजादी मिली थी। देश को आजादी मिली थी। प्यारी प्यारी गर्ल्स भी कुछ दिख रही है गाड़ी पर, क्या बात है। ये आप लोग हेलमेट क्यों नहीं पहने हुए? क्योंकि आज हमारा प्रोग्राम है गणतंत्र दिवस और हम लोग यहाँ पे कोई पुलिस वाले उनकी वो नहीं कर रहे तो हम क्यों करें, हम भी ऐसे घूमेंगे। पुलिस वाले नहीं कर रहे तो हम क्यों करेंगे। अच्छा ये गणतंत्र दिवस को हुआ क्या था हमारे देश को? हाँ आ रही है, आ रही है, सही जगह आ रही है। अरे मेरा बाप। हमारे देश को आज आजादी मिली थी। वेरी गुड वेरी गुड। चलिए तो ये वेरी गुड। आपने आइसक्रीम वगैरह कुछ खाई की नहीं? नहीं आप खिलाओगे ना? अरे जरूर हम खिलाएंगे भाई। देश को आजादी 26 जनवरी को मिली, 15 अगस्त को क्या हुआ था फिर? उस दिन का आजादी हुई थी आज, मैंने सॉरी रॉन्ग बोल दिया अभी। आज हमारे देश संविधान लागू हुआ था, आज हमारे देश को उसकी वो मिली थी। क्या उसकी वो? संविधान लागू हुआ था और आज उसको अपना देश अंग्रेजों से मिला था। क्या बात है, अंग्रेजों से मिला था, बहुत अच्छा आपने बताया और वेरी नाइस। लेकिन हेलमेट पहना करे, पीछे पुलिस वाले अंकल है। अरे वो तो खड़े हुए है। चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे भाई। ये है मजे तो आने वाले आज, बहुत से लोग हैं, बहुत से लोगों से बात करेंगे हम 26 जनवरी पर। और आज के जो अच्छे जवाब देंगे उन्हें हम गिफ्ट भी देंगे, क्योंकि गिफ्ट के लिए हमारे साथ है खुशलाणी रेडियो। मैडम दिख रही है, मैडम जय हिंद। जय हिंद। तो क्या आप यहाँ परेड में आई थी? हाँ। या ड्यूटी लगी थी आपकी? नहीं ड्यूटी लगी थी। ओके। ड्यूटी थी। ये 26 जनवरी क्यों मनाते हैं हम? ये 26। अरे फिर भी मैं घर जा रही हूँ, अर्जेंट काम है। चलिए कोई बात नहीं, और भी लोग है इनसे बात करते हैं। नमस्कार, क्या नाम है आपका? लक्ष्मण सिंह राजपूत। ये आज 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? अरे यार मेरे समझ पूछे। अरे गलती हो गई, अंकल से बात करते। आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, तो ये गणतंत्र दिवस क्यों मनाते हैं? संविधान लागू किया था, संविधान लागू किया था। जोरदार ताली बजना चाहिए भाई, सबको पता है। इनको देंगे हम एक बहुत अच्छा सा गिफ्ट जो हमें दिया है खुशलाणी रेडियोस की ओर से। अच्छे अच्छे पुरस्कार हम लोगों के लिए लेकर आए हैं और ये 26 जनवरी के बारे में अंकल ने बताया। अंकल एक बार इधर देखिए, क्या बात है, क्या नाम है आपका? हरी सिंह चौहान। हरी सिंह चौहान जी, ये आपको गिफ्ट दिया जाता है 26 जनवरी पर और ये गिफ्ट दिया है खुशलाणी रेडियो की ओर से। जानते हैं ना, अब कभी भी कोई मोबाइल वगैरह खरीदना हो तो आप वहाँ पहुँच जाइए। बेटा जय हिंद बोलिए। जय हिंद। जोर से जय हिंद। भारत माता की जय। भारत माता की जय। अच्छा आप कौन सी क्लास में? सेकेंड। आप एट्थ। और आप?
ट्वेल्थ हो गई। ट्वेल्थ हो गई तो आप ये बच्चों को जरा 19 का पहाड़ा सिखा दो जरा। अरे गलती हो गई। हाँ पूरा परिवार है, छोटी सी बच्ची, छोटा सा नहीं, बड़े से भैया, फिर बच्चा, फिर बच्चा, फिर बच्चा, क्या बात है। ये आपको तो कार में आना चाहिए था। कार है नहीं ना सर। तो फिर पांच लोग आ गए अपन, तो बच्चों घुमाने ले आया खाली इसी बस, थोड़ा घूमने के हिसाब से। क्या बात है, सभी अपने ही है? सभी अपने हैं। नहीं अपने नहीं मतलब आपके। चलिए तो नाम क्या है आपका? सुमित गोहर। सुमित जी क्यों 26 जनवरी मनाते? अब मनाते सर मेरे को 26 जनवरी, अरे सर मत मेरे बंसाली जी यार तुम क्या करोगे यार। चलिए कोई बात नहीं, जय हिंद बोल दीजिए। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद सभी को करेंगे। और भी और कुछ कुछ गर्ल्स यहाँ पर दिख रही हैं। क्या नाम है आपका? श्रुति श्रीवास। श्रुति श्रीवास, श्रुति ये बताओ 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? आज हमारा संविधान लागू हुआ था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने महिलाओं को भी पुरुषों के समान अधिकार दिलाए थे, तब जाकर आज हम पुरुषों के समान कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। ये तो बिल्कुल रानी दुर्गावती और लक्ष्मी बाई सब यहीं पर हमें मिल गई है। क्या बात है, सैल्यूट है आपको, 26 जनवरी का बहुत अच्छा बताया आपको। हम एक स्पेशल गिफ्ट देते हैं, ये एक स्पेशल गिफ्ट ये दिया जा रहा है आपको खुशरानी रेडियो की ओर से, है ना। तो आप कभी भी कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना होगा तो कहाँ जाएंगे? खुशरानी रेडियो। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। पूरी टीम, पूरे युवाओं की भी टीम है। एक और गुड़िया है, बेटा क्या नाम है आपका? प्रियांशी। प्रियांशी, और भैया कौन है? पापा है मेरे। पापा है, आपका नाम? राजकुमार। राजकुमार, आप तो राजकुमारी हैं, क्या बात है। गुड़िया कौन सी क्लास में? आप 8th क्लास में। अच्छा तो ये बताओ ये रिपब्लिक डे के दिन क्या हुआ था? अपने स्कूल वो बना था, रूल्स बने थे। रूल्स बने थे, अच्छा। और 26 जनवरी के दिन क्या हुआ था? गणतंत्र दिवस है 26 जनवरी, संविधान 26 जनवरी को, तो गणतंत्र दिवस हम 26 जनवरी को मनाते हैं। और रिपब्लिक डे के दिन क्या करते हैं? रिपब्लिक डे 15 अगस्त। 15 अगस्त रिपब्लिक डे और 26 जनवरी गणतंत्र दिवस, सही बोल रहे हैं पापा? रिपब्लिक डे भी 26 का ही बोलते हैं। बच्चों से सीखो रिपब्लिक डे जो है वही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस है। प्यारी प्यारी गुड़िया पापा के साथ आई है, पापा को सिखाया है, इसलिए एक गिफ्ट तो गुड़िया का बनता है। तो चलिए इनको भी हमें गिफ्ट देते हैं। और ये गिफ्ट ये कहाँ से दे रहे हैं हम आपको? खुशलाड़ी रेडियो की ओर से, है ना। तो अब आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना होगा तो कहाँ जाएंगे? खुशलाड़ी रेडियो। ये लीजिए जरा, हाथ लगाइए भाई, हाथ लगाइए, क्या बात है। जय हिंद बोल दीजिए एक बार। जय हिंद, जय हिंद। तो दोस्तों बहुत से लोग हैं ऑटो में, इतने सारे लोग आए हैं, ये देखिए देखिए। क्या नाम है? दीपक गोस्वामी। दीपक जी कितने सारे लोगों को बिठा लिया आपने? 6-7 जनों को। तो फिर ये तो गलत है 26 जनवरी में। बच्चे हमारे घर के ही हैं सब। अरे मेरा बाप। सब घर के बच्चे हैं, इनको घुमाने लाया हूँ। लेकिन भाई 26 जनवरी तो रूल वाला दिन है, 26 जनवरी पे गणतंत्र बना था और ऐसे संविधान नहीं तोड़ोगे, 6-8 लोगों को नहीं बिठाओगे? सर घर के बच्चे हैं हमारे, इतना तो होना। घर के 26 जनवरी दो गाड़ी नहीं है घर में, नहीं तो दो गाड़ी से हम आ जाते हैं। एक गाड़ी से भैया सबके अपने एक्सक्यूज है, लेकिन पुलिस वाले अंकल किसी की बात नहीं मानते हैं। वो जो है वो रूल तो रूल है यार, घर के 15 बच्चे हैं तो क्या एक साथ लेकर जाओगे क्या? चलिए और बहुत सारे युवा हैं, बहुत सारे लोग हैं, और भी लोगों से कुछ बातें करते हैं। एक भाई हमें दिख रहा है, इससे बात करते हैं। क्या नाम क्या है आपका? मेरा नाम मयूर सेन है। मयूर सेन है? हाँ हाँ। अच्छा यार ये 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? 26 जनवरी को हमारा संविधान लागू हुआ। इतना बड़ा भी नहीं लागू हुआ था जितना बड़ा इसने बताया। एक काम करो, तुम तो ये बताओ, तुमको ये बोलना है राजा गोप गुपगंदा, तो इससे 26 जनवरी का क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस एक बार हमारे कैमरे में बोल के बता दो। राजा गोप गोपंगम गोपंगम, गलत है। अरे क्या बात है। चलो एक बात बताओ, भारत के राष्ट्रपति का नाम बता दो। मेरा बाप। ये बताएगा। अरे अरे ये नेता टाइप के है, आप बताओ। रामनाथ कोविंद। ये
ये हुई बात रामनाथ कोविंद। और 26 जनवरी क्यों मनाते हम? हमारे भारत का संविधान बना था 26 जनवरी को, इसलिए गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। क्या नाम है आपका? दीपक तवर। दीपक, दीपक भाई तुमको तो बिल्कुल अधिकार है ऐसे ही रहने का है, ऐसे देश का युवा नेता ऐसे ही होना चाहिए। क्या नाम है? सिद्धि सेन। सिद्धि सेन, सिद्धि ये बताओ कि रिपब्लिक डे को क्या हुआ था? आज के दिन देश आजाद तो हुआ था, और आज भीमराव अम्बेडकर जात पात और छुआछूत को दूर किया था, और आज के दिन देश आजाद। एक गिफ्ट आपको भी दे दे भाई, लड़कियों को तो गिफ्ट देना बनता ही है। क्या ये हमारे लड़के लोग भी कहते हैं कि भैया गर्ल्स को दिया करे, तो ये गिफ्ट है खुशलाड़ी रेडियोस की ओर से। आप कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना होगा तो कहाँ जाओगे? खुशलाड़ी वाले के यहाँ। चलो ठीक है, देखिए लोग जो है भाई 9-9, 10-10 बजे तक उठते ही नहीं है आज का युवा। और जागरूक परिवार किसको कहते हैं ये देखिए, पति पत्नी बच्चे देश का पर्व मनाने के लिए आए हैं, इनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? विजय कुमार इंगले। विजय जी, विजय जी आपका नाम? अश्विनी इंगले। अश्विनी, अच्छा कलेक्टर कौन है, मतलब आपके घर में कलेक्टर कौन है ये पूछ रहा हूँ। मैडम ही कलेक्टर है। मैडम ही कलेक्टर है, यही नारी शक्ति है। भाभी जी छोटा सा सवाल, गांधी जी का जन्मदिन कब मनाते हम? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, और लाल बहादुर शास्त्री का? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर, क्या बात है, क्या बात है। और ये हीरो भी खड़ा हुआ, इसको क्या बनाएंगे आप? हाँ, इसको पुलिस ऑफिसर बनाएंगे। पुलिस ऑफिसर बनाएंगे। 26 जनवरी क्यों मनाते हैं? गणतंत्र दिवस है हमारा। क्या बात है, ये है देश के सच्चे लोग जो परिवार के साथ देश के बारे में भी जानते हैं। एक बार जय हिंद बोलना बनता है दोनों का। जय हिंद। जय हिंद। एक छोटा सा गिफ्ट इन्हें भी देते हैं हम, ये एक प्यारा सा छोटा सा गिफ्ट खुशलाड़ी रेडियो की ओर से आज देश के पर्व पर हम आपको दे रहे हैं। तो जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना होगा कहाँ जाएंगे? खुशलाड़ी रेडियो। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। और भी साथी है, हमारा नाम है आपका? अमन पाल। अमन पाल, अमन यार तुम तो बिल्कुल बहुत ऊंचे हो यार, ये क्या इतना मतलब? सर मूंग की दाल खाने से हुआ। मूंग की दाल खाने से? मूंग की दाल खाने से हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ती, ग्रोथ होती है बॉडी में। तो अगर कोई रोज खाएगा तो बढ़ेगी? तो मतलब इतना ऊंचा हो जाएगा? नहीं नहीं नहीं, जितनी होती है उतनी बढ़ेगी। अच्छा, मूंग की दाल खाते रहिए, हाइट बढ़ाते रहिए, देसी खाना है। और ये बताइए कि आप ये बताइए कि हमारे प्रधानमंत्री का नाम क्या है? नरेंद्र मोदी। और हमारे मुख्यमंत्री का नाम? शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान, ये होना चाहिए। 26 जनवरी क्यों मनाते? इस दिन हमारा गणतंत्र दिवस लागू हुआ था, नियम लागू हुए थे, नए संविधान लागू हुआ था, इसीलिए। स्मार्ट बॉय, क्या बात है। अमन, अमन के लिए ताली बजना चाहिए। वेरी गुड, वेरी गुड। और ये इसने बहुत जोरदार ताली बजाई है। अरे 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 अरे, ये क्या बात है यार, ये पकड़ाई में ये आ गया। क्या नाम है? आकाश रूपाले। आकाश रूपाले, आकाश वो भाग क्यों रहा था? मुझे नहीं पता। तो तुमको तो कोई पकड़ नहीं रहा था, तो भी तुम ऐसा जबरन ऐसा क्यों? ये पकड़ रहा था ना। अच्छा, क्या करते हो? इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, कभी प्यार व्यार किया किसी लड़की से? नहीं नहीं, देखो तुमने नहीं बोला ये सब हंसने लग गए। ये लड़के ने आज तक किसी से प्यार नहीं किया? ये लड़के ने प्यार नहीं किया तो प्यार करना पाप है, पुलिस हमारी बाप है। शादी किसी की मिले तो लो, तो रिश्ता शादी करो, रिश्तेदार बहुत आता है। ये हुई बात, शादी करो। भाई ने राखी बनवा लेती है। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम दरबार नायक है, संजय नगर जबरन कॉलोनी में रहता हूँ, दादाजी दुनिया वाले के वहाँ पे। अच्छा ये बताइए, आज क्या हो रहा है, ये पर्व क्यों मना? आज क्या हो रहा है, 26 जनवरी है, 26 जनवरी को मनाते हैं खुशियाली। क्यों, कौन सी मनाते हैं? अब इतना हमको मालूम नहीं, हम तो जो खुशी मनाते हैं वो देख के आ गए। पर आप 26 जनवरी पे ऐसा होता क्या है? ये सब ऐसा क्या होता है भैया, मैं तो क्या है कि नाच गाना ये सबको इनाम मिला वो सब सुनने के लिए आता हूँ। अच्छा? वो भूल जाता हूँ मैं। अच्छा? अब इतनी बातें हुई ना, सब भूल गया मैं। जय माता दी। भूल गए, जय माता दी। ओ भैया ऐसे ही है, ये माता जी है, इनके हाथ पे किसी ने लिख दिया कि जय माता दी। भाई हर किसी का बाप चोर नहीं होता है। चलिए बहुत अच्छा, और भी लोगों से कुछ सवाल करते हैं। जिसने संविधान लिखा उसको भूल गए? किसको?
भीमराव अंबेडकर जी को। कौन भूल गया, कौन भूल गया? अंकल जी भूल गए ना, बोले मेरे को मालूम ही नहीं, बोले वो तो सब कुछ भूल गए। अच्छा अच्छा अच्छा, आपको पता है संविधान किसने लिखा? भीमराव अंबेडकर सर। भीमराव अंबेडकर जी ने, तो भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान लिखा है, बहुत अच्छी बात। दो वर्ष 18 महीने 18 दिन लगे थे। ओ, इतना नॉलेज है। कौन सा गणतंत्र दिवस मना रहे हैं हम इस बार? 72। हाँ, पूरा पढ़ के आया बच्चा। एक 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 प्राइज आपको भी देंगे, एक ये प्राइज इनको दिया जाता है। क्या नाम है आपका? आकाश रूपाल। आकाश, एक बार सब लोग जय हिंद बोलेंगे जोर से। जय हिंद। और ये प्राइज दिया जाता है खुशलानी रेडियो की ओर से। तो इलेक्ट्रॉनिक सामान लेना है तो खुशलानी। चलिए, जय हिंद जय भारत। तो दोस्तों, ये पूरी पब्लिक के साथ हम इस कार्यक्रम को आज यही समाप्त करते हैं। और भी लोगों के साथ हम आपसे रूबरू होते रहेंगे हमारे अगले एपिसोड्स में। अगर आपको हमारे सारे एपिसोड देखना है, परिवार के साथ मनोरंजन करना है, तो भैया जी के बोल को सब्सक्राइब करिए और हमसे जुड़े रहिए। फिलहाल जय हिंद जय हिंद भारत माता की जय।